जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे आपको। बस आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो सेशन है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इंग्लिश होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है साथियों, हम लोग लिखते हैं इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश। देखो, इंग्लिश हमने बहुत बार सुना है कि साथियों इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है साथियों, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। अब मुझे बताना, हम लोग पढ़ते क्या है इंग्लिश में, ग्रामर। तो मुझे बताना, जब इंग्लिश बना होगा शुरुआत तर में, जो सबसे स्टार्टिंग इसका हुआ होगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश एक्चुअल में शुरू में हुआ क्या होगा, इंग्लिश जब शुरू शुरू में बना होगा वो ग्रामर था या लैंग्वेज था। आप सोचना जरा, गौर से सोचोगे तो इंग्लिश शुरू शुरू में क्या हुआ होगा, किसी के द्वारा बोला गया होगा, कोई व्यक्ति होगा वहां पे, तो शुरू में क्या किया होगा, बोला होगा। तो इंग्लिश किसी ना किसी द्वारा, व्यक्ति के द्वारा क्या किया होगा, बोला गया होगा। तो इंग्लिश जब बोला गया होगा तो वो कोई ना कोई एक भाषा का पार्ट है। इंग्लिश क्या हुआ, अपने आप में एक लैंग्वेज था। क्या था, लैंग्वेज था। अब लैंग्वेज साथियों बोला जाता है, मुझे बताना, लैंग्वेज जब बोलते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलती करते हो। क्या करते हो साथियों, गलतियां करते हो, और उसी गलती को सुधारने के लिए क्या लाया गया, ग्रामर। क्या लाया गया साथियों, ग्रामर। तो इंग्लिश में सुधार करने के लिए हमें एक पार्ट को लाया गया जिसे हम बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं साथियों, ग्रामर। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं साथियों उसको, ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, इधर नहीं दिखाई दे रहा, मैं इधर कह रहा हूँ। ठीक है साथियों, इसी को सुधार करने के लिए एक चीज लाया गया जिसका नाम है ग्रामर। ठीक है, अब देखो ये जो लैंग्वेज, समझ रहे हो ना, लैंग्वेज समझ रहे हो साथियों, लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होता है, ये लैंग्वेज जो इंग्लिश में बोलते हुए लैंग्वेज बनता कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ। साथियों जो लैंग्वेज है इंग्लिश का, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बनता कैसे साथियों, मुझे ये जानना है। देखो साथियों, लैंग्वेज यानी कि भाषा, तुम कुछ भी प्रोनाउंस करते हो, देखो यहाँ एक वोकल कोड होता है। देखो शरीर, मानव के पास गॉड गिफ्टेड एक चीज है, भगवान के दिया हुआ एक चीज है, वोकल कोड। देखो मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस वोकल कोड से जो कुछ भी तुम निकालते हो, यानी यहाँ से कुछ भी निकलता है, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा वो तो कुछ ना कुछ साउंड होगा। और तुम जिस साउंड में, जैसे मैंने बोला अ, ये हिंदी का साउंड था, जैसे बोला इंग्लिश में ही, ये इंग्लिश का होगा, तो उसी तरह ही क्या हुआ, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट हो गया। तो इसी तरह क्या हुआ था, जो लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेट कर रहा था। मुझे बातों को समझना, गौर से समझना, बिल्कुल इंग्लिश सीख जाओगे, ये मेरा पूरा गारंटी है। बट इसको फॉलो करोगे तुम, अगर फॉलो नहीं करोगे ना साथियों, मैं करो ना यहाँ पे प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाऊंगा, बुक किससे नहीं। तुम बुक में बहुत सारे कुछ पढ़े होगे, मैं बुक का सारे चीजों का डिफिनेशन में रॉन्ग करके दिखाऊंगा, एरर बहुत है बुकों में, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बारीकी से बात को सुनना पड़ेगा। मैंने कहा लैंग्वेज क्या है, साउंड से बना हुआ है। ठीक है साथियों, क्या है साथियों, साउंड से। मैं साथियों डिफिनेशन उफिनेशन नहीं लिखवाता हूँ, बस फिगर और डायग्राम, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है साउंड। अब देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, इसको हिंदी से रिलेट मत करना। अगर जब इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करोगे ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत सारे लोग इंग्लिश को क्या करते हैं, हिंदी से रिलेट करते हैं, जो कि वहां पे ब्लंडर क्रिएट कर देते हैं। आपको आगे बताऊंगा कैसे ब्लंडर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये साउंड देखो इंग्लिश में 44 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 44। तो सर 44 आज तक तो मैं सुना ही नहीं, सर 26 लेटर सुना है। सुनो सुनो सुनो, जब आप इसके भी एक, मेरे पास प्रूफ है, कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे आप लिखते हो कलम, कलम, आप पढ़े हो, आप जब पढ़े होगे हिंदी में स्वर व्यंजन, पढ़े हो ना साथियों, स्वर व्यंजन पढ़े हो ना। देखो स्वर व्यंजन पढ़े हो, के से क्या होता है, क होता है, के से क्या होता है, ख होता है, इसी तरह एल से क्या होता है, ल होता है। देखो के से क्या होता है, क होता है, एल से क्या होता है, ल होता है, और एम से क्या होता है साथियों, म होता है। बातों को समझना, के से जब क होता है, एल से ल होता है, एम से म होता है, तो मुझे बताना कलम के स्पेलिंग के एल एम क्यों नहीं होता है। सोचना जरा गौर से, आप साथियों सोचना गौर से क्यों नहीं होता है, फर्क पता है, 44 साउंड का फर्क है, यही साउंड आपके। तो इसीलिए हम लोग जब भी कलम का स्पेलिंग लिखते हैं क ल म, तो यहाँ पर के ए एल ए एम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये साउंड का डिफरेंट है, ये साउंड में आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए साउंड कितने होते हैं, 44।
ठीक है साथियों, हमने समझा पहले इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कुछ भी बोलते हो वोकल कॉर्ड से, यानी कि साउंड निकालते हो, वो साउंड आपके इंग्लिश फॉर्म में होगा कि लैटिन फॉर्म में होगा कि ग्रीक फॉर्म में होगा कि जापानीज में होगा, ये मैटर नहीं करता। जापानीज भी एक लैंग्वेज है, लैटिन भी लैंग्वेज है, वेस्टर्न लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज है। साउंड प्रोड्यूस करते हो वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। और साउंड कितने होते हैं? 44। इतना समझ में आया ना? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा इसको और कोरिलेट करते हैं। ठीक है, और जुड़ने के प्रयास करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा साथियों। मतलब क्लियर हो ना? इस सेशन को देखोगे ना, आपको इंग्लिश जो है ना पूरा बेसिक से उठा पाओगे, बेसिक से इंग्लिश कहते हैं वो सीखोगे। अब देखो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो साउंड है ना, साउंड कहाँ से निकलते होंगे? लेटर, इंग्लिश में लेटर सुने हो ना, लेटर, तो लेटर से ही ना कहीं ये साउंड निकलते होंगे, जैसे ए बी सी डी ई। यानी कि देखो तो ये जो क्या साउंड कहाँ से आते हैं? लेटर से। कहीं ना कहीं बोले तो लेटर्स, लेटर नहीं बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। और लेटर की संख्या कितनी होती है इंग्लिश में? भाई सबको पता है 26 होती है। कितनी? 26। ठीक है साथियों, अब देखो 26 को ग्रुप, जो 26 लेटरों के ग्रुप जो हो जाती है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं साथियों? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब देखो मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे शिक्षक जन होते क्या है, अल्फाबेट में एस लगा देते। जैसे ही आप अल्फाबेट में एस लगा दिए, इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट्स में जैसे ही एस लगाएंगे, इसका मतलब हो जाता है भाषा। एक एक चीज को, वर्ड को ध्यान देना होगा, तब आप सीख पाओगे। अगर एक एक चीज को ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ी इंग्लिश, समझ लो साथ, इंग्लिश है, इसीलिए टफ हो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान है, बस इसे कोरिलेट करने आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अल्फाबेट्स को एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अल्फाबेट होगा। और अल्फाबेट मतलब होता है साथियों वर्णमाला। 26 लेटर, द ग्रुप ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 लेटरों के समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। साथियों डिफिनेशन खुद से मैं जो बोल रहा हूँ सुन के लिख लेना, मैं लिखवाऊंगा तो फिर ज्यादा टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है, अब समझना अल्फाबेट को क्या बोलते, 26 लेटरों को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो लेटर में होंगे ना, लेटर में वोवेल भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं और सेमी वोवेल भी होते हैं। और बुक में दो ही देते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब समझना सेमी वोवेल के मैंने नाम लिए, सेमी वोवेल होते कौन कौन है ये समझना। देखो ये जो आपके 19 हो जाते हैं, 19, ये 19 क्या होते हैं? आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ये 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। ठीक है, 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। और 2 होते हैं सेमी वोवेल। कितने होते हैं? 2 होते हैं सेमी वोवेल। और सेमी वोवेल 2 कौन कौन होते हैं ये भी समझो। एक होता है आपका डब्ल्यू और एक होता है वाई। अब देखो डब्ल्यू बना कैसे, समझनी पड़ेगी ना साथियों, डब्ल्यू बना कैसे ये तो जानना पड़ेगा ना। ऐसे कोई बोल देगा डब्ल्यू सेमी वोवेल, कैसे मान लोगे? मानने के लिए समझना पड़ेगा। ये जो डब्ल्यू बना है ना, डबल यू से मिलकर बना है, डबल यू से मिलकर क्या बना है? डब्ल्यू। ठीक है, अब वाई को समझो, वाई कैसे बना है, वाई कैसे बना? ठीक है, आई प्लस ई, आई प्लस ई मिलकर क्या बनाया गया है? वाई। अब समझ गए ना दो चीजों, डब्ल्यू और वाई भी क्या है? सेमी भवेल में आता है। किसमें आता है? कैटेगरी में, सेमी भवेल में। ठीक है, बारीकी से समझती है ना, फिर इसको हम बढ़िया से फिर एक बार समझा दूंगा। ठीक है, अब इस 5 में कौन कौन आता है? इस वाले 5 जो हमारे बताए भवेल, ठीक है, भवेल में कौन कौन आता है आपका साथियों, समझना है। इसमें आता है आपका ए ई आई ओ और यू, और जो बाकी बच गए ना वो 19 में आ जाते हैं। ठीक है, देखो 19 2 21 5 26, यानी कि 26। देखो 26 नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन करेगा 26 होता है। ठीक है, बात समझना। जो बाकी रेस्ट बच गए, रेस्ट यानी कि जो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा 5 2 7 के बाद जो बच गए, वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब साथियों आते हैं, इन सभी को मिला करके, साथियों दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, आ जाइए। ये जो सेमी भवेल, देखो ये जो सेमी भवेल पढ़े हम लोग, भवेल पढ़े, कॉन्सोनेंट, इन सभी को मिला करके कुछ ना कुछ तो बनता होगा ना। जैसे मैंने एक वर्ड लिख रहा हूँ डी ओ जी, देखो ये भी क्या है? एक लेटर का हिस्सा है। ये भी क्या है? एक लेटर का हिस्सा। ये भी क्या? एक लेटर का हिस्सा। यानी कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि लेटरों को जोड़ जोड़ करके एक वर्ड का तैयार हो रहा है। ये क्या है? एक वर्ड है, और वर्ड का क्या है? अपना कुछ सेंस है, उसका कुछ मतलब है। तो कहना मतलब, कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है, कहीं ना कहीं लेटर को हम लोग जोड़ देंगे एक वर्ड बन जाएगा। इसका एक डेफिनेशन दिख रहा है ना, द मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों का एक बढ़िया सा मिलापन क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। मतलब उसका मतलब भी निकले और स्ट्रक्चर भी सही हो, बढ़िया तरीका से लिखा जाए, वो वर्ड कहलाता है। ये साथियों हम लोग कह सकते हैं
The meaningful arrangement of letter is called word. लिख लो फटाफट, नोट डाउन करो. The meaningful arrangement of letter is called word. तो ये जो इन सब मिलके क्या बनाते हैं साथियों, हम बोले तो एक तरह से बोल दे, ये क्या बनाते हैं, लेटर मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं. अब देखो, अब वर्ड तो ऐसे किसी को भी नहीं बोल सकते हैं. अब लेटरों का समूह बोला हूं तो मुझे बताना, ओ ई पी एन, इसको वर्ड बोल सकते हैं क्या? तो वर्ड बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ई पी एन ये तो लेटरों का समूह है, बट इसका कोई मतलब नहीं है, सार्थक मतलब ही नहीं निकल रहा है. इसकी हम अगर बढ़िया तरीके से लिख दे PEN, अगर मैं इसको पेन लिख रहा हूँ, ये तो एक ग्रुप ऑफ लेटर है, साथ ही साथ इसका मतलब निकल रहा है. क्या मतलब निकल रहा है? कलम. तो ये क्या कहलाएगा? आपका वर्ड कहलाएगा. बात समझ गए? वर्ड कैसे पहचानेंगे, वर्ड कैसे बनता है, ये बात समझिएगा, ठीक है. अब देखिए, वर्ड को हम थोड़ा सा और ब्रेक करने की कोशिश करें, वर्ड से हम लेने की कोशिश करें, एक चीज आता है हमारे पास, वर्डों को मिला मिला करके सेंटेंस बन जाता है. तो जैसे देखो, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, ही इज बॉय, ठीक है. अब देखो, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएंगे, सर क्या एक वर्ड, एक लेटर का वर्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. जैसे ए, ठीक है, तो एक आई, आई भी क्या एक वर्ड है, एक एक लेटर है और अपने आप में वर्ड भी है, तो एक लेटर का भी वर्ड बन सकता है, ठीक है. ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सॉरी वर्ड के बाद बात कर रहे थे सेंटेंस. वर्ड से क्या बनता है साथियों? आपका निर्माण होता है सेंटेंस का. अब हमारा जो असली कहानी स्टार्ट होगा सेंटेंस से होगा. कहाँ से होगा साथियों? सेंटेंस से. ये तो आपका बेसिक जड़ था. अब एक चीज और समझो, यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा कि सर ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे छोटी इकाई क्या होता है, लेटर होता है, कैसे होता है. इसकी थोड़ी सी हमें ट्वेल्थ के जो बच्चे होंगे, ट्वेल्थ लेवल के जो हमारे सीनियर देख रहे होंगे, ऐसे तो बेसिक सबके लिए है. जो ट्वेल्थ लेवल के होंगे वो पढ़े होंगे, पहला चैप्टर आता है ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसमें हम लोग सीखते हैं एक वो एटम होता है, एटम की तरफ क्या होता है, एक चारों तरफ क्या नाचता है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है. उसी तरह ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद जो लेटर फॉर्म है, इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, ठीक है. बहुत सारे लोग अल्फाबेट बोलते हैं, लेकिन अल्फाबेट को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अल्फाबेट ग्रुप ऑफ द लेटर है, ठीक है. तो इसे आप लेटर मान करके चलेंगे, लेटर सबसे छोटी इकाई है, ठीक है. चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के पास आएंगे और सेंटेंस के बढ़िया तरीके से समझने की प्रयास करेंगे. आइए तो फटाफट इसे रब कर लेते हैं और वेट कीजिए कुछ मिनटों तक, बस आ गए हम लोग. आइए हम बात कर रहे हैं कि सेंटेंस को हम लोग समझेंगे. देखो, जैसे ही मैंने लिखा सेंटेंस, क्या लिखा? सेंटेंस. सेंटेंस में क्या होता है? वर्ड वर्ड वर्ड, कुछ ना कुछ तो वर्ड आते होंगे, कुछ ना कुछ तो वर्ड आते होंगे साथियों, ठीक है. जैसे मैं सेंटेंस का आपका क्या होता है, इसका मैं एक स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करूँ, आपके सामने देखना स्क्रीन पे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है साथियों? ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है. मुझे बताना, सब्जेक्ट होता है, यही होता है ना, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है. अब देखो, कॉम्प्लीमेंट में एल आई मत लगा देना, उसका मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है. बस कॉम्प्लीमेंट में यू एम पी एल ई एम एन टी होना चाहिए, जिसका मतलब होता है पूरक. मैथ में पढ़े हो गए पूरक कौन होता है, ठीक है, वो सब अलग बात है, बट हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात समझना. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड है, फिर इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी एक बहुत लार्ज लार्ज क्लासेस होंगे, लगभग 6-7 क्लासेस, इसमें 2-3 क्लासेस तो मैक्सिमम लग ही जाएंगे साथियों ये सब्जेक्ट बताने में. सब्जेक्ट यूट्यूब पर कह रहे ना, पूरी डिटेल्स में कोई नहीं बताया कि सब्जेक्ट पूरी डिटेल्स में कैसे एग्जाम्पल के साथ पेपर लेकर के साथ कोई नहीं बताया, जो कि मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर आपकी अच्छी खासी रिस्पॉन्स रही तो, ठीक है. भर्ब में लगभग 10 भर्ब में आपके क्या क्या आ जाते हैं देखो साथियों, इसमें टेंस आ जाते हैं साथियों. भर्ब में ही आपको वॉइस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि टेंस में क्या है, हम लोग भर्ब के ही तो खेल करते हैं, V1, V2, V3 का खेल ही करते हैं, भर्ब का ही तो पार्ट है. तो वॉइस में भर्ब का ही पार्ट है, नरेशन में भी इसी के कैटेगरी में आता है, बट थोड़ा उसमें कुछ 90% कह सकते हो, ठीक है. बट ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की 5-6 क्लासेस लग जाएंगे इसको बढ़िया से समझाने में. तो ये बातें हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. आइए हम इसमें कुछ और बताना चाहते हैं आपको कोरिलेट करके सब्जेक्ट में, ठीक है, समझने के प्रयास करते हैं.
देखो सेंटेंस जो होता है सेंटेंस को थोड़ा और इलेबोरेट करोगे, क्या करोगे इलेबोरेट करोगे, यानी कि इसको फैला बड़ा करने की कोशिश करोगे, तो सेंटेंस सेंटेंस मिलाकर के, यानी कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस मिलाकर के हम क्या बनाते हैं बुक में, एक पैराग्राफ बनता है। यानी कि कह सकते हैं सेंटेंसों को, समूह को जिसका अच्छा खासा मीनिंग हो उसे क्या बोल सकते हैं साथियों, पैराग्राफ बोल सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सेंटेंसों को समूह क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ बोल सकते हैं। अब आ जाओ, अब मैंने समझ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ को अगर मिला दे हम, पैराग्राफ को अगर मिला दे, बहुत सारा पैराग्राफ मिला दे तो क्या बन जाता है साथियों, देखे ना बुक में एक पोयम बन जाती है, नहीं तो एक स्टोरी बन जाती है। अगर मेरे कहने का तब देखो सबको रिलेट करते चलना, अगर इंग्लिश में रिलेट करना सीख गए ना तो बहुत आसान है। जब मैंने सेंटेंस को सबको कंबाइंड किया पैराग्राफ बना, मैं पैराग्राफ को क्या करूँ कंबाइंड करूँ, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, ऐसे ऐसे क्या करूँ मैं सबको कंबाइंड करूँ, क्या बन जाता है स्टोरी या पोयम बन जाता है। एकदम बात सही बोले, ठीक है, स्टोरी या पोयम बन जाती है। अब मैं स्टोरी या पोयम को कलेक्ट कर लूँ, क्या कर लूँ साथियों, स्टोरी या पोयम को कलेक्ट कर लूँ और उसे एक निर्माण कर दूँ, क्या हो जाता है, वो हो जाता है इपिक। क्या हो जाता है साथियों, वो हो जाता है इपिक। इन सारे को कलेक्ट कर लूँ तो इपिक तैयार हो जाता है, यानी ग्रंथ तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारा महाभारत, रामायण, ये सारे सब क्या ग्रंथ है, यानी कि देखो लेटर से बना है, वर्ड का निर्माण किए, वर्ड से किसका निर्माण किया सेंटेंस का, सेंटेंस से किसका किया पैराग्राफ का, अब पैराग्राफ से स्टोरी पोयम और इसका एपिक का। अब बात आते हैं साथियों, ये तो हमारा था इंग्लिश का छोटा सा बेस, क्या था साथियों, बेस था, ठीक है। अब आते हैं आगे, छोटा सा कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपके इंग्लिश की धारणाओं को, यानी कि सोच को बिल्कुल ब्रेक करके रख देगा। तो आप पढ़े हो ना नाउन, नाउन पढ़े हो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज एवरीथिंग। मुझे एवरीथिंग जब मैंने पढ़ा था ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं ट्वेल्थ में था, एवरीथिंग जब मैंने वर्ड सुना, नाउन इज एवरीथिंग, नाउन सब कुछ हो सकता है। तो मुझे बताना साथियों, रन, रन मतलब होता है दौड़ना, नाउन जब सब कुछ है तो रन भी तो नाउन हो सकता है ना। ये सारी चीज कंक्लूजन आपको दूर करूंगा, एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ ना साथियों, आप सब कुछ हटके पढ़ोगे इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे, कहते ना जो साथियों एकदम कनेक्ट टू कनेक्ट करके पढ़ने वाला चीज पढ़ोगे, ठीक है। बस सब्र रखो, सब कुछ सिखाते चलो। अभी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपकी, बस इस एग्जाम्पल के साथ मैं आपका क्लास को यहाँ पे एंड करूंगा। बस कुछ एग्जाम्पल समझना और समझने के प्रयास करना कि ये इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लायक है या नहीं है, और जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या आपने इसको कभी सोचा है, इस पर गौर किया है, अगर किया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है साथियों। चलिए एग्जाम्पल आपके सामने लग गए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बहुत सारे बुक में, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है आई एम ए बॉय, ठीक है। अब मुझे बताना, जैसे मैंने लिखा आई इज द, आई इज द नाइन्थ नंबर इन वन अल्फाबेट। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आएंगे, सर मैंने तो आज तक सर साथियों आई के साथ इज लगते देखा ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में आएंगे कि आई के साथ सर इज लग ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ साथियों लग जाएगा, कैसे नहीं लगेगा, लगेगा 100% लग जाएगा। यही तो कहता हूँ साथियों, उसका कंटेक्स्ट समझो, एक्चुअली सेंटेंस बोलना क्या चाहते हैं। आप किसी भी वर्ड को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हो कि नाउन है कि प्रोनाउन, मुझे देख के डिसाइड कर सकते हो कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल, नहीं, नेबर जज कर सकते हो किसी भी, यानी कि देखो ना आप शुरुआत चैप्टर में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन यू कैन कैटेगरी एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी शब्द होते हैं ना उनकी फंक्शन के आधार पर बांटा जाता है, ना कि देख करके। बहुत सारे बुक में ऐसे लिखे, एक बार एरर होता है और बुक में रिपीटेशन होते चला जाता है। बट यहाँ पे समझना आई के साथ इज कैसे लगेगा, अब समझना यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से समझना है। हमने सेंटेंस में दिखाया था आपको सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। समझना यहाँ पे, ये जो आई हमने लिखा, ये जो आई था, ये था आपका साथियों प्रोनाउन, क्या था साथियों प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे एम लगा था, क्या लगा था साथियों एम लगा था। बात समझना, ये कह रहा है कि आई इज द नाइन्थ नंबर इन वन अल्फाबेट, जो वन अल्फाबेट यानी कि ए से लेकर के जेड तक जो अल्फाबेट होता है उसका नौवा नंबर आई होता है। तो बोलो साथी, ये जो नौवा नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताना। यहाँ पे ये अभी ये नाउन क्या था, आई क्या था, प्रोनाउन था, और जस्ट यहाँ पे ये नाउन नाउन हो गया, क्या हो गया साथी, नाउन हो गया। बातों को समझना, नौवा नंबर
नौवा नंबर क्या है, आई आता है, देखो ना पढ़ करके, एबीसीडी पढ़ करके देखना, आई नौवा नंबर पे आता है। ये छोड़ो, ये एग्जाम्पल छोड़ो, आपको नहीं पढ़ना पढ़ना, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई इज द नेम ऑफ, मेरा नाम एसके है, देख लो एसके प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने लिख दिया एसके प्रोडक्ट्स, जो आई है ना, ये जो आई है ना, इस प्रोडक्ट का क्या है, नाम है। आई इज द नेम ऑफ द एसके प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आई है, ये एसके प्रोडक्ट्स का क्या है, नाम है। तो आई के साथ इज लगा कि नहीं साथियों, मुझे बताओ। आई के साथ आपके सामने हमने अभी लगा के दिखाया ना, इज लग सकता है, लग सकता है साथियों, इज लग सकता है। तो ये आई आपने अभी तक पढ़ा होगा, आई अभी तक आपने पढ़ा होगा क्या है कि प्रोनाउन है। अब बताना आपके वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर रहे ना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा है ना उन दोनों के बीच, जो अभी तक आपने पढ़ा होगा उसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन है। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़े हो उससे और थोड़ा एलबोर्ट करना पड़ेगा। जो आपको स्तर था ना अभी यहाँ था, समझना यहाँ था, उसको यहाँ ले जाना है, हमें कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। ये बातों का आपको ध्यान देना होगा। तो ये आई प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, उसके फंक्शन के बेस्ट पे, वो काम कैसा कर रहा है इस पर डिसाइड करेगा। अब आते हैं साथियों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल, साथियों एग्जाम्पल देखते जाना आपके मतलब मन में एकदम उछाल आ जाएगा कि सर मैंने अभी तक वो चीज़ पढ़ा था, वो चीज़ ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब लगेगा आपको हाँ सही में वास्तव में ये कैसे हो सकता है। जैसे आप बताना वाक, वाक क्या है, आप पढ़े होंगे कि वाक सर साथियों ये वर्ब होता है, छोड़ो आईएनजी फॉर्मूला क्या होता है साथियों, मुझे बताना, आईएनजी जिसमें लगा था क्या होता है, वर्ब होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जेरंड भी होता है, जेरंड क्या होता है, वर्ब भी होता है, नाउन, तो वो चीज़ बताऊंगा ठीक है। आईएनजी जो फॉर्म होता है कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हूँ, एकदम सब बच्चे बनाए होंगे, जितने बच्चे देख रहे हो ना, छोटे से लेकर बच्चे तक, ये जूनियर से स्टार्ट होती है, बेसिक से स्टार्ट होती है टेंस, इसमें आईएनजी फॉर्मूला क्या होता है आपका साथी, वो आता है वर्ब के कैटेगरी में, क्या आता है कैटेगरी वर्ब में, ठीक है आईएनजी वाला। अब मुझे बताना यहाँ पे देखना, वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मुझे बताना यहाँ पे एक्सरसाइज के अच्छे से लिख लेना ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वॉकिंग है ये बताना एक्चुअल में वर्ब है, मुझे बताना एक्चुअल में ये वर्ब है, मुझे ये कमेंट करके बताना ये वर्ब है, मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके ऊपर, ये वर्ब है तो कैसे वर्ब है, और ये वर्ब नहीं है तो फिर एक्चुअली है क्या, मुझे बताना। आप सबसे मैं पूछ रहा, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे माइंड में, बहुत सारा है, मतलब भर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएंगे, बट अभी मुझे सिर्फ यही बताना है कि ये वर्ब है तो कैसे है, कमेंट करना। ये वर्ब नहीं है तो एक्चुअली है तो क्या है, मुझे बताओ ना साथियों, मैं जानना चाहता हूँ। मैं एक चीज आपको कंसेप्ट कर दूँ, जब भी कभी भी दुनिया में याद रखना, सारे किताब भूल जाओ, कभी भी सब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके जा रहा हूँ ठीक है, मन नहीं था कल के वीडियो में बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी भी जब भी होंगे तो वो नाउन ही होंगे सब्जेक्ट, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। कैसे प्रूफ कर देता हूँ, देखो ये भी प्रूफ करने का मेरे पास नियम है। ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा, याद रखना जो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज बताया था, एक क्वेश्चन का कल रिप्लाई मुझे चाहिए ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझना, इसे लॉजिकल समझ लेना। देखो सब्जेक्ट कैसे सिर्फ और सिर्फ नाउन हो सकते हैं, आपके दिमाग में आएंगे, एक चीज समझ लेना, सब्जेक्ट की क्लास भी अभी ही बता, सब्जेक्ट समझो, कहोगे सर जी सब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन होता है आपके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सर साथियों प्रोनाउन भी होता है आपके अकॉर्डिंग, प्रोनाउन भी होता है, मान लिया साथी प्रोनाउन होता है, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, मैं प्रूफ करूंगा कैसा होता है। फिर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्ञानी होंगे, वो कहेंगे सर इन्फिनिटी भी नाउन ही होता है सर, उसे वर्बियल नाउन बोलते, चलो आपकी बात मान लिया, इन्फिनिटिव भी क्या मान लिया साथियों, इन्फिनिटिव क्या मान लिया, इन्फिनिटिव भी साथियों आपके क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है ठीक है। अब बहुत बच्चे होंगे ना कहेंगे सर नाउन क्लॉज भी तो आपका सर ये सब्जेक्ट ही होता है, चलो आपका ये भी जो स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे होंगे ना, जिसकी थोड़ी सी इतनी होगी ना इतनी, वो सोचेंगे सर नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट होता है, मान लिया क्या होता है साथियों, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट होता है ठीक है। और बताना सर क्या क्या हो सकता है, अब उसमें कुछ और दिमाग लगाने वाला होंगे, वो कहेंगे सर जेरंड के क्यों छोड़ रहे हैं, जेरंड भी तो नाउन ही होता है, जेरंड को भी जेरंड नाउन है सब्जेक्ट रूप में रखते हैं, तो जेरंड भी आपके लिए मैं क्या करता हूँ, जेरंड को भी यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, क्या करता हूँ साथियों जेरंड भी जोड़ देता हूँ। और उसमें भी एक बहुत महानी जो महान हमारे स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर जो एडजेक्टिव से हम लोग नाउन बनाते हैं, वर्ब से नाउन बनाते, उसे भी तो रखना पड़ेगा ना ठीक है साथियों। आपको ये भी बात को हम पूरा कर देते हैं, आपका ये वाला भी बात को हम रख देते हैं, यानी कि चेंजेबल फॉर्म ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं
चेंजेबल फॉर्म ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो पार्ट्स स्पीच का जो पार्ट है अदर दूसरा वाला जो चेंजेबल कर देंगे, यानी कि उसके में कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको हम सब्जेक्ट रूप में रख लेंगे। अब देखो मुझे समझाना, आपकी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। नाउन को रखोगे ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन किसके बदले में यूज करता हूँ मुझे बताना। प्रोनाउन जैसे यहाँ पर समझो, मैं वो नहीं कहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ नाउन या प्रोनाउन, नहीं देखो यहाँ पर समझो। प्रो, प्रो का मतलब होता है फॉर, इसका मतलब निकालो। प्रो मतलब होता है फॉर, और फॉर के हिंदी होता है के लिए। एकदम सारी चीज को एलिबरेट करके समझना। यानी कि नाउन, यहाँ पर देखो नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो नाउन का ही बतला रहा है ना, नाउन की बातें में ही तो बातें कर रहा है। एक तरह से क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, नाउन ही हुआ। अब समझना ये क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को टू प्लस वी वन को बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, वर्बियल नाउन, सॉरी वर्बियल नाउन बोलते हैं। और इसका मतलब होता है हर नाउन के जैसा वर्ब में काम करना, यानी वर्ब रहेगा उसका जो मूल वर्ब रहेगा, बट नाउन का, नाउन का काम कैसा करेगा, नाउन का वर्बियल नाउन का मतलब होता है वर्ब रहेगा, वो वाक है तो वाक रहेगा, बट काम कैसा करेगा, एज ए एक्ट एज ए नाउन, वो नाउन के जैसा काम करने लगेगा, उसी को हम लोग वर्बियल नाउन बोलते हैं। ये जो नाउन क्लॉज होता है, ये नाउन क्लॉज मैं अगले क्लास में बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सुन लो, क्योंकि बहुत सारे कहेंगे सर इनको आता ही नहीं है, इसलिए अगले क्लास में बताने की बात करें। देखो वो जो होते हैं नाउन क्लॉज क्या होते हैं, वट समझना, स्ट्रक्चर समझना, वट सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, वट सब्जेक्ट वर्ब, फिर कोमा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो सेंटेंस जो निर्माण होता है उसी को हम लोग नाउन क्लॉज होते हैं, जो उसके फर्स्ट पार्ट वाला, यानी कि वट डब्ल्यूएच में एक ही वर्ड वट और सब्जेक्ट और वर्ब, जो ये तीन पार्ट हो गए ना, यही आपका नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। ये बात आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा अगले क्लास में। यहाँ पे जेरंड, जेरंड में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है, उसी को जेरंड बोलते हैं, और इसे भी वर्बियल नाउन बोलते हैं, यानी कि वर्ब तो रहेगा बट एक्ट कैसा करेगा, नाउन के जैसा। अब देखो चेंजेबल फॉर्म ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे लेकर के आता हूँ आपको, ठीक है। चेंजेबल फॉर्म ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे समझना, ठीक है साथियों। जैसे आप पढ़ते हो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है आपका साथियों, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट क्या आपका एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसे में आप एक चीज कर देते हो, चेंज कर देते हो, क्या कर देते हो, ऑनेस्टी, एच ओ एन ई एन ई एस टी वाई, ये क्या बन जाता है साथियों, नाउन। देखो ये चेंजेबल फॉर्म ऑफ द अदर पार्ट्स, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच था और इसे नाउन में कन्वर्ट कर दिए, इसी को बोलते हैं चेंजेबल फॉर्म ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो साथियों बस आज इतना ही था, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेजेबल लगा होगा तो फटाफट सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बगल में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसे भी प्रेस कर दो। थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ, थैंक यू।